HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। पहले मैं अकेला था, लेकिन अब उसी में से हम में तब्दील हो गया हूँ, इसलिए किसी चीज के बारे में अकेले नहीं सोच सकता। अब हर चीज में अपने पार्टनर को शामिल करना जरूरी है। वे कार्यक्रम के सिलसिले में चंडीगढ़ में थे। उन्होंने बातचीत के दौरान अपनी रील व रियल लाइफ पर बात की। दिव्यांका को बोल देता हूँ सॉरी, उसकी पसंद नापसंद का सोचना पड़ता है। हालांकि काम की वजह से कहीं घूमने का वक्त नहीं मिल पाता, पर हर 3 महीने में एक मिनी ब्रेक जरूर ले लेते हैं ताकि अपनी आजादी को एंजॉय कर पाए। हम एक दूसरे के काम, प्रोफेशन और कमिटमेंट की अहमियत को जानते हैं। हमारा शेड्यूल ऐसा है कि हम इतना सोशलाइज नहीं कर पाते, न ही इतना सर्कल है। कभी वक्त मिल गया तो फिल्म देखने या फिर कहीं बाहर डिनर के लिए चले जाते हैं। यह कहना है एक्टर विवेक दहिया का। सॉरी बोलकर मन मुटाव को खत्म कर देंगे। विवेक बताते हैं कि एक रिश्ते को अच्छे से चलाने के लिए उसमें जिद्दीपन नहीं होना चाहिए। सौभाग्य से हम दोनों के बीच यह चीज नहीं है। हम दाइनों ने एक उसूल बनाया है कि कभी हम एक दूसरे में किसी तरह का ईगो नहीं आने देंगे। चाहे किसी भी बात पर तकरार हो जाए तो उस बात को सुलझाएंगे, उसे अगले दिन तक नहीं पहुंचने देंगे। गलती चाहे किसी की भी रही हो, पर सॉरी बोलकर अपने मन मुटाव को खत्म कर देंगे।